गोलीबारी की सूचना है, क्या कुछ सब आइए चलिए गोलीबारी की सूचना है सर, क्या कुछ कहेंगे सर, कुछ तो कहिए, यहाँ पर बच्चे को गोली लगने की सूचना है सर। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 के महमूदी चक इलाके में स्थानीय दबंगों ने गोलीबारी की है, रोड़ेबाजी की है। नज़ारा आपके सामने है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है, जो स्थानीय दबंग हैं, जो शराब का कारोबार करते हैं, गांजा का कारोबार करते हैं, उनका विरोध करने पर इस तरह का नतीजा इस पूरे इलाके में अंजाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग हैं, देखिए जिस तरह से चलते हुए लोग हमसे बात करना चाहते हैं, क्या का क्या कुछ कोई विरोध करने पर मारपीट किया जाता है, गोली पिस्तौल लेके आता है, मेरा धंधा नहीं बंद है, स्मैक की कारोबार करते हैं, दारू गांजा जितना नशा का कारोबार है सर, दारू गांजा प्रशासन को पैसा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कुछ और स्थानीय लोग हैं, वो साफ तौर से बात कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है यहाँ, क्या मामला यही है कि वो लोग दारू गांजा बेचता है पुल के नीचे, थाना को पैसा देता है, हम लोग गुमटी पर जाते हैं साग सब्जी लेने के लिए। कौन लोग हैं वो लोग, कौन लोग हैं, इनका बसिंदा है वहाँ का रहने वाला, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दबंग है। साफ तौर से कहना है कि इन लोगों का, स्थानीय नागरिकों का साफ तौर से कहना है कि स्थानीय लोग हैं। और आपको दूसरी ओर हम नज़ारा दिखा रहे हैं, क्या इलाका जो है पुलिस छावनी में तब्दील है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। महमूदी चक इलाका है, रोड नंबर 10 राजेंद्र नगर के में आता है ये, कदमकुआं थाना अंतर्गत आता है ये पूरा इलाका। तो जाहिर सी बात है कि आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरी इलाके की पुलिस टीम यहाँ पर लगा दी गई है। दूसरी ओर हम आपको दिखाते चलते हैं कि किस तरह से उपद्रवियों ने इस इलाके में उपद्रव मचाया है, जो स्थानीय लोगों का कहना है और जो तस्वीरें भी बोल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें यहाँ क्या बोल रही हैं कि आप साफ तौर से देख सकते हैं, सामने गाड़ी लगी हुई है, मारुति वाहन है, किसी स्कूल या किसी संस्था की दिख रही है, किड्स केयर है, कुछ विवेकानंद किड्स केयर वो संस्थान की गाड़ियाँ दिख रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से इस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो साफ तौर से ये तस्वीरें गवाह दे रही हैं कि किस तरह से उपद्रवियों ने इस पूरे इलाके में उपद्रव मचाया। दूसरी तरफ एक बाइक लगी है, उस बाइक को भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से वो बाइक के साथ तोड़फोड़ की गई है। तो जाहिर सी बात है कि उपद्रवियों ने पूरी तरह से इलाके में उपद्रव मचाया है और स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहले पहुंची है और उसके बाद 5 थानों की पुलिस और एसपी डीएसपी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। हालांकि जो अभी